मैंने 38 दिन के अंदर पूरा कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया है। मैं गए 21 वर्ष में कर मैं पन हिफ्ज मुकम्मल। सिलेल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की रहने वाली हूँ। मैंने सिर्फ कुरान करीम को 2 महीने में हिफ्ज कर लिया है। कहाँ? एक लड़की ने सिर्फ 38 दिनों में कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया, एक बच्ची ने 2 माह के अंदर, एक ने 3 माह 10 दिन के अंदर, एक ने 2.5 माह के अंदर और एक ने 4 माह 8 दिन के अंदर। इसी तरह 1 साल का हमने इसमें हदफ रखा है हिफ्ज करने का, और 1 साल के अंदर अंदर हम बच्चों को हिफ्ज कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी है, और बच्चों की मेहनत और असातिज़ात जो यहाँ मुअल्लिमात हैं उनकी मेहनत और काविशें अल्लाह ने रंग लाई है। الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد الله له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आमिना बिनते फरीद है, मैं करना की रहने वाली हूँ। मैंने इब्तदाई तालीम तो मैंने जम्मू में हासिल की थी, उसके बाद सोपर में मैंने आलमीत की फरागत हासिल की है। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पे हकीकत में पढ़ाने के लिए आई थी 2018 के अंदर। तो 3 साल यहाँ मैंने बेहसीत उस्ताद काम किया है। उसके बाद मुझे वैसे तो हिफ्ज करने का बचपन से ही शौक़ था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था अल्लाह ताला मेरे शौक़ को कब पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर बच्चियों को हिफ्ज करती थी और इनकी बहुत हौसला अफजाई की जाती थी। तो उसी दौरान मेरा शौक़ भी बढ़ गया, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 38 डेज के अंदर मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। ये अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मशहूर है, और ये हैदरपुरा गलवानपुरा में वाकई है। यहाँ पे इस वक्त 100 के करीब लड़कियाँ ज़ेरे तालीम हैं। तो यहाँ पर बच्चियों को हिफ्ज भी कराया जाता है, हिफ्ज करने के साथ साथ कुरान के उलूम भी सिखाए जाते हैं। तो इसके अलावा तो मुख्तसर अंग्रेज़ी कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटी रखी गई है, लेकिन ये जो मदरसे की बिल्डिंग है ये हमारी अपनी नहीं है, ये किराए की बिल्डिंग में हम इस वक्त रह रहे हैं। तो अवामना से मेरी यही गुजारिश है, हमने यहाँ हमारे बच्चों के अंदर इतनी सलाहियत है, इतने टैलेंट है कि वो जदीद नए तरीके से इलम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे वसाइल नहीं है। तो मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि वो दिल खोल कर इस मदरसे को माली मामनत फरमाएँ, ताकि हम अपनी ज़मीन खरीद सकें, अपनी बिल्डिंग तामीर कर सकें, हमारे बच्चे अच्छे से तालीम तो मैं गई 4 वर्ष 21 वर्ष में कर मैं पन हिफ्ज मुकम्मल। मैंने मालिस माज से वह खुशी बेच मान रिश्ते दार पूरे डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। शाह है, मैं इस मदरसे का मुहतमिम हूँ। ये मदरसा जामिया सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मशहूर मारूफ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ बरसों से हम यहाँ पर बच्चों की तालीम पर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। खुसूसन यही वो मदरसा है जहाँ पर एक लड़की ने सिर्फ 38 दिनों में कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, एक बच्ची ने 2 माह के अंदर, एक ने 3 माह 10 दिन के अंदर, एक ने 2.5 माह के अंदर और एक ने 4 माह 8 दिन के अंदर। इसी तरह 1 साल का हमने इसमें हदफ रखा है हिफ्ज़ करने का, और 1 साल के अंदर अंदर हम बच्चों को हिफ्ज़ कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी है, ये मदरसा इसके लिए किराए की बिल्डिंग है,
हम इस मदरसे को माहाना 25,000 रुपया किराया देते, 12,000 थी तो इन मस्जिद वालों ने अचानक इसको 25,000 कर दिया। ये मस्जिद की बिल्डिंग है और इसको किराए पर हम सालाना लेते हैं, तो अपनी ज़मीन नहीं है और नहीं अपनी कोई बिल्डिंग है। हम आम से गुजारिश करते हैं कि वो इस मदरसे के बच्चों के लिए मदद को दिल खोल कर करें। यहाँ पर यतीम भी है, गरीब की भी है और मतवस्त तबके भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं। खुसन इस बुरे माशरे में दीनी तालीम का हासिल करना ये नहायत ही अहम और ज़रूरी भी है। और आप देख रहे हैं कि बाहर सड़कों पर क्या हो रहा है, उससे बेहतर और अफजल जो पैसा वहाँ पर खर्च हो जाए वो क्यों ना यहाँ पर खर्च हो जाए। अगर आपके 10 रुपये से कोई एक आयत याद कर ले तो वह आपकी मकसद के लिए काफ़ी हो सकता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ क्योंकि मैंने उस किताब को अपने अंदर हिफ्ज़ किया है जो अल्लाह ताला की किताब है। तो उसके हिफ्ज़ करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम और सुकून पाया है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे दरसगाह है इसमें कितने बच्चों ने अभी तक जो है यहाँ पे हिफ्ज़ कर लिया है इस साल में? एक साल में पिछले दिसंबर से लेके इस दिसंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों ने मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया है।